हाँ बेटवा से बाप की है सदुश्मनी जमके थोड़ा लड़कपन जब भक्त प्रहलाद कविता ना तो हिरण्यकश्यप तरह तरह से समझाता है कि मैं खुद ईश्वर हूं लेकिन प्रहलाद उसका ही बेटा इनकार देता है कि आप गलत कहते हैं और इसी में बाप और बेटे में एक छोटी सी जंग हो जाती है जो धर्म के अनुकूल है। कवि को लिखना पड़ा बेटवा से बाप की है सदुश्मनी जमके दुष्ट की सुंदर नार उसकी गोद से प्यारा भक्त पहला लिए अवतार रार ना जाने इतने पर थोड़ा सहने होते हैं और माँ की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं लेकिन भगवत भजन से कभी चूकते नहीं और किसी तरह की लड़ाई झगड़ा उनके मन में ये भावना कभी आई ही नहीं। एक भक्त का परिचय है, पौराणिक प्रमाण आपको मिलेगा, आप सुनेंगे आपको आनंद आएगा। रोके शैतान हरि नाम मत लीजे नित सांझ बिहान हमारी पूजा कीजे हम हैं भगवान ध्यान हमें पर दीजे। देखिए कितनी बड़ी गलत बात है कि एक इंसान अपने आप को भगवान कहलाता है अपने निजी बेटे से। हम हैं भगवान ध्यान हमें पर दीजे तुम हो नादान काहे हलाहल कीजे तुम हो नादान काहे हलाहल कीजे कई हो पश्चाताप करी हो कई हो पश्चाताप किया दुश्मनी बनके अगला प्रमाण मिलेगा आपको। तरह तरह की बातें कहके गुस्से से क्रोध में मारने दौड़ता है लेकिन कभी लिखता है कि लेकिन जो है हरि भक्त वो क्यों कहने में आए भक्त प्रहलाद के हृदय नहीं सर दीनानाथ समाए निशाचर रूठा माए निज सुत वह झूठा तमाम यातनाएं देता है। माँ कयाधु परेशान है, बार बार अपने पति से कहती हैं कि ऐसा न करें
अपना एकलौता बेटा प्रहलाद यदि भगवान का भजन करता है तो करने दीजिए, इसमें आपको क्या आपत्ति है। डांट कर पत्नी को धमका कर कि तुम बेवकूफ हो, जो मैं कहूंगा वो मेरी औलाद वही कहेगी, और प्रहलाद को कहना पड़ेगा जो मैं कहूंगा। सामने खड़ा करके कहता है कि कहो कि मैं भगवान हूं, लेकिन प्रहलाद नहीं माने, इसीलिए कभी को लिखना पड़ा भक्त प्रहलाद के हृदय में ईश्वर दीनानाथ समाए निशाचर भरी कटार जग से हुआ निराला हो करना चार दिया जहर का प्याला। देखिए एक बात, देखिए एक बात, अपने इकलौते बेटे को मारने के लिए कितना उपाय करता है, ऐसा हमारा पुराण साक्षी है इस बात का। और इस देश में कितने कितने तरह के लोग हुए हैं, आप देखिए सब कुछ सहन करता है लेकिन भगवान की भक्ति छोड़ता नहीं भक्त। विश्व भरी कटार जग से हुआ निराला हो कर लाचार दिया जहर का प्याला मेरे करतार जहर पान कर डाला ओ राजकुमार सहले बड़ा तरवाला करे ईश्वर के जाप करे ईश्वर के जाप किया प्याला दिया, लेकिन मुस्कुरा कर भगवान के भजन में लीन होकर अपने ईश्वर को याद करके प्रहलाद वो जहर पी डाला, और जब जहर पान कर लिया फिर भी ईश्वर उसकी मदद करते हैं और उसे कुछ भी नहीं होता। हार जाता है हिरण्यकश्यप अपने ही औलाद से, तो अगला प्रमाण मिलता है बहुत उपाय किया मारे का किंतु मार ना पाया। अरे अंत समय में अपनी बहन होलिका को बुलवाया खबर जब पाई ये हिरण्यकश्यप अपनी बहन होलिका को बुलवाता है कि तुम मेरी मदद करो, तुम मेरी बहन हो। तो होलिका कहती है कि आप मेरे भाई हैं, जो भी कहें मैं करने को तैयार हूं। कहा प्रहलाद मेरा नाम नहीं लेता, मुझे ईश्वर नहीं कहता, इसीलिए कभी को लिखना पड़ा अंत समय में अपनी बहन होलिका को है बुलवाया खबर जब पाई तब आई होलिका ढाई होगा कि अपने ही भतीजे को लेकर अपने गोद में
और जलने के लिए बैठ जाती है। उसके पास एक ऐसी चादर थी जो अग्नि लगने पर वो नहीं जलती थी, और उसके पास जो भी वस्तु रहती थी वो जल जाती थी। इसी गर्व में, इसी घमंड में फूल कर वो भक्त प्रहलाद को लेकर बैठ गई। गोदी लैलाल बैठी जाए पुहरिया, बिछवायस जाल जल गई होकर चदरिया, तनी देखा कमाल जल गई तुरत ठठरिया, बच गए प्रहलाद तनिक न लगल लवरिया, बच गई ले लाल तनिक न लगल लवरिया, बैठे चुपचाप बैठे हो बैठे चुपचाप ईश्वर मुसीबत में हर इंसान को साथ देता है। प्रहलाद ने ईश्वर का भजन किया और कहा, ए प्रभु तू ईश्वर है, तू सबका मालिक है। लेकर होलिका बैठी, किंतु जीत सदैव सच्चाई की होती है। होलिका जलकर राख हो गई और मर गई, लेकिन भगवान का भक्त छोटा सा बच्चा प्रहलाद बच गया और मुस्कुरा कर कहता है कि दीनानाथ तू सर्वशक्तिमान है, और जय हो नारायण की कहता है। अंततो गत्वा अगला और आखिरी प्रमाण आपको मिलेगा। प्रभु भक्त प्रहलाद बच गया जली होली का नीच, अरे उसी रोज से लगे मनावई होली हिंद के बीच सीच फुलवारी, होली पर्व क्यों मनाया जाता है कभी परिचय देता है हमारे गुरुगण कविवर राजा राम जी और हमारे पूजनीय गुरु जी कविवर श्री रामधार यादव झूंसी निवासी। ये प्रमाण देते हैं कि होली उसी दिन से जिस दिन कि एक पाप का अंत हुआ और देश में इस भारत भूमि पर एक नया जोश पैदा हुआ और एक सच्चाई का दीप जला, इसीलिए लोग खुशी में आकर अपने घर घर गांव गांव टोले मोहल्ले से लेकर शहरों तक होली मनाई जाती है। जैसा कि कहा गया है, प्रभु भक्त प्रहलाद बच गया जली होली का नीच, उसी रोज से लगे मनावे होली हिंद के बीच सीच फुलवारी, मन हर्षित भय नर नारी
हाँ देखे, एक बेलवरिया है। ये बेलवरिया किसी धर्म और किसी मजहब से कोई ताल्लुकात नहीं रखता। एक रसिक बात, दुल्हन का वियोग है, पिया प्रदेश में है और दुल्हन तड़प तड़प के अपने पिया को याद करती है और कहती है, फागुन मधुमास चहुटी सरस रस बरसे, अच्छा।
गगरीला आवाचित चोर छलिया छल छबीला होई गई ने उदास होई गई ले होई गई ने उदास होई गई ले होई गई ने उदास सहुदी सरन रस बरसे देखे यह विशेष कार्यक्रम श्री यमुना प्रसाद यादव त्रिवेणी नगर नैनी के सहयोग से सिग्नल रिकॉर्डेड कैसेट में अमृतवाणी ज्ञानसेनगंज द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अगला और अंतिम प्रमाण है। अब जिन तरसा भाया माया यल फगुआ यल होली रंग अबीर गुड़ा छाने भंग की गोली ली है पिचकारी चहुदी से रंग रस बरसे।